ओ देखो ट्रेन आ रही है, लेंगे आते हैं हम भी जाते हैं, हम भी लेंगे बजाएंगे। वेलकम टू माई YouTube चैनल दी हाईवे रेजिडेंट। तो आज हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ रोड से। तो आप भी सोच रहे होंगे रोड में क्या कर रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं बाला सुंदरी देवी फ्लावर। तो ये पहाड़ है सामने वाला, ये पूरा चढ़ना है। तो अभी करेंगे ट्रैक, तो फिर आपको भी बताएंगे। तो यहाँ पे देख लो आ गए हम मामू मामी करनू मामू और सारी फैमिली। तो अभी करेंगे चढ़ाई शुरू। मामी फुल तैयारी है ट्रैक की। प्रियंका ये पहाड़ है सामने वाला, चढ़ना है। पहली बार चढ़ रहे हो? मैं पहली बार चढ़ रही हूँ, पर मैं चढ़ लूंगी। मैं भी फर्स्ट टाइम। फुल एक्साइटेड? हाँ फिलहाल तो। मम्मी फर्स्ट टाइम मैम। तैयारी? तो गाइस ऐसा कुछ ट्रैक है ये। पहले इधर नाले नाले के साइड से चलेंगे, फिर आगे से वो ऊपर दिख रहा है। इधर से पूरी चढ़ाई चढ़नी है अभी। पहले मैंने कहा इधर नहाते थे लोग आके ना। ये देख लो क्या नज़ारा है यहाँ का ना, साइड पे खड़े खड़े पहाड़, बीच में से ये नाला। तो वो लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो ये कौन है? जितनी तेज तेजी अभी दिखा रही है ना। तो आप सारे वैष्णो देवी में आपके कंपटीशन में थी, मैं आपसे भी आगे थी वैष्णो देवी के उसमें। चलो देख लेंगे। तो एक नाला इधर से आ रहा है, एक नाला उधर से। चलो जी, हम दोनों भी भैया के ब्लॉग में खुद आ जाते हैं, इन्होंने लाना नहीं अगर। तो मम्मा वहां पहुंच गए हैं। असली चढ़ाई तो अब शुरू हुई है मेरे दोस्त। पहले अलग अलग, यहाँ पे ना सारे ट्रैक अलग अलग तरह के हैं, है ना? नाला आया शुरू हुई है। दीदी आपकी ये देखो, इसके तरीका इसको देखो। कनु मामू बोल रहे हैं मामू को कि मैंने बायर लेना तेरे को मनीमेश। मामी बोल रहे हैं उनको, इन्होंने आपको भी उतार देना बड़े डरपोक। सो अभी चढ़ाई शुरू हो गई है। तो यहाँ तक पहुँचते ही सांस फूलने शुरू हो गई है। तो ये सारे मम्मी आए सुपर फास्ट हैं आज। मम्मा सबसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर ना सारे ट्रैक अलग अलग तरह के हैं। पहले हमने किया नाला क्रॉस, नहीं पहले प्लेन साथ साथ किया, फिर नाला और अब सीढ़ियाँ। अब सीढ़ियाँ अब ऐसा ही है सारा। इधर कोई उम्मीद, इधर उम्मीद नहीं रखना है कि कहीं ढलान आएगी। डनाल आएगी थोड़ी सी, नहीं आएगी ऊपर मंदिर के पास ना, इससे ज्यादा चढ़ाई है पता। हाँ, मंदिर से पहले थोड़ी सी डनाल आएगी, फिर इससे भी ज्यादा चढ़ाई आएगी क्योंकि माता का मंदिर बिल्कुल टॉप पे है। ये देख लो दोनों पार्टनर जा रहे हैं। ये दोनों ठेकेदार ऐसी चढ़ाइयां चढ़ते रहते हैं। मम्मा का स्टैमिना हाई है ना? हैं मम्मा का स्टैमिना हाई है। मम्मा एक ग्लूकोस ली है, ग्लूकोस। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मम्मी भी बुलाए लो जय माता दी। चलने दो मम्मा को, मम्मा अपने उसमें चल रहे हैं, चलने दो। तो ये आ रहे हैं तेज बंदे नीचे को। ये हमारे गढ़ के बच्चे। ये गढ़ के हैं? हाँ। अच्छा सुबह से आए हैं बिना कुछ खाए। रास्ते पर लंगर है पर खाना नहीं है। पर मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुचे मुँह जाना तो यहाँ का खाना नहीं है। अच्छा खाना नहीं है। हाँ सोचो वो पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद ऊपर दाल चावल अम्बल बड़े कैंट बनते हैं वो खाएंगे। और मुझे भूख अभी से लग गई है। लगी भूख? एक अभी भूख अभी से। तो ये देख लो यहाँ से ये व्यू आ रहा है। अभी जैसे 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 ऊपर जाएंगे वैसे वैसे व्यू अच्छा आएगा। ये पुराना पुल है, ये टूट गया बेचारा।
ये वो लकड़ी वाला पुराना पुल था और डिसमेंटल करके ये वाला बनाया नया। थोड़ा चढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाकी मिलते हैं आपको आगे। तो पहला भंडारा हमें मिल गया, पर हम खाएंगे कुछ नहीं क्योंकि हमें जाना है सुच्चे मुंह दर्शन करने। तो वो आ रहे हैं भैया, मम्मा, मामी, सारे भाभी थोड़ी सी स्पीड में चल रहे हैं आगे। मामू भी आ गए, मामू मेरे कंपटीशन में चल रहे हैं। भाभी ने ले लिया स्टॉप, अब बाकियों का देखते हैं। हाँ जी, मैं सबसे आगे, देखते हैं अब कहाँ पर आते हैं वो। जब तक मैं आगे चलूँगी वो आएंगे और मेरी रेस्ट होती जाएगी। तो जो वो वाइट कलर में ये दिख रहा है, ये एक तरह से आधा रास्ता यहाँ पर कवर हो जाएगा, जैसे वैष्णो देवी की अर्धकुंवारी यहाँ की ये अर्धकुंवारी। ओ देखो ट्रेन आ रही है, ये ऐसे ही चलेंगे। ये आ गई सास बहू की ट्रेन, तो मामी सास पीछे, एक और डब्बा जोड़ो। डब्बा से छोटा है। ये आ गया रिफ्रेशमेंट पॉइंट, उन्होंने रखा हुआ, वो बजा रहे थे भोंपू अपना। अच्छा, ये ऊपर से खरीद के लाए थे। ये आ गया रिफ्रेशमेंट पॉइंट, तो आते वक्त करेंगे रिफ्रेशमेंट। ओ डिगी है कंबल, ओ देखो। तो ये ऊपर से आ रहे थे, सामान गिर गया। टपियो टपियो, तो ये सामान क्या रस्ता खुली है, घोड़ा कैसे उछल रहा है। ये डेली रूटीन में काम करने वालों का स्ट्रेंथ देखो, और ये हमारे वाले, इनकी स्ट्रेंथ देखो। हाउस योश, हाई, बहुत हाई। पर तू लेना बाजा, लेंगे आते हैं हम भी, जाते हैं हम भी लेंगे बाजा। पर हमें मिले हैं छत्तीसगढ़ के यात्रु, कैसा लग रहा है आपको? जम्मू कैसा लगा सर? ये इधर काम करते हैं, ये इधर काम करते हैं, पहले भी आए हैं, हर साल आते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली छत्तीसगढ़ से है। ये ट्रैक है, ये यहाँ से ऐसे, और वो लोग दिख रहे हैं ऊपर, और ये पूरी चढ़ाई चढ़ के जाना है हमें। और इस ट्रैक में हम अपनी माता श्री को टो करके ले रहे हैं। जैसे जैसे ये पाइप जा रही है वैसे वैसे ये ट्रैक है ऊपर। हम जा रहे हैं इस रास्ते से, ये बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन देखते हैं चल के। देखो ये पूरा रास्ता ऐसे जाएंगे हम, और यहाँ पर ये सारे भी आ चुके हैं ट्रैक करते हुए, चलते हैं। जिस रास्ते से हम चढ़ रहे थे ये शॉर्टकट है, और दूसरी साइड से लॉन्ग कट है। मैंने देखा, मैंने सोचा कोई और खड़ा, मैंने ध्यान नहीं दिया, और आगे से अब नहीं मामा श्री निकले। आप भी आ जाओगे ब्लॉग में। इस साइड से सामने से जाओ। ना ना, सेम नेम हो गया। सामने सामने से जाओ, इधर आओ। मेरी बिल्ली कहाँ रही है? सामने मिल गया। फुल पावर, चलो। सो ये अभी चीड़ के जंगल है, तो ये कुछ लोकेशन है यहाँ की। ये देखो हरा भरा जंगल, और यार ये गर्मियों में ना अक्सर लोग घास के चक्कर में ना जंगल में आग लगाते हैं, फिर उससे पेड़ में, ये देखो चीड़ का पेड़ जो है इसमें से ऑयल निकलता है, एक आग पकड़ लेता बड़ी जल्दी, तो उसकी वजह से ये पूरी पेड़ भी जल जाते हैं। ये देखो एक पेड़ ये पड़ा हुआ, ये तो पूरा ही जल गया। थोड़ी सी रिचू भी दौड़ेगी, नहीं दौड़ेगी। तो ये
खींचना पड़ सकता है इनको। और मैं चल रही हूँ कि मेरे को ऐसे अकेले जाना पड़ रहा है बोर होके, इनकी गप्पे सुनने के लिए आज तक चल रही है। चलो जी यार, मैंने अपनी स्पेक्स पता नहीं कहाँ छोड़ दी। लो जी माता रा मिल गई थैंक गॉड। एक तो इसके इतने पॉकेट था ना, गुम हो जाती है चीज। मुझे लगा एक्साइटमेंट में ये चश्मा छोड़ आई है कहीं रास्ते में। उत्साह बढ़ाते हुए डांस करते करते उस रास्ते में उतरे थे। हाँ वो रास्ता दिख रहा है, ये वाला, ये देखो ये वाला। हाँ ये बाला सुंदरी जी की जोत लेकर आ रहे हैं। तो ये लंगर से जोत लेके जा रहे हैं माता के दरबार, और ये नंगे पांव चल रहे हैं पूरा ढोल लेके। बोल सांचे दरबार की जय। ये देखो ये जोत जलाई है, ये पूरे नवरात्रों में जलाते हैं, और रामनवमी वाले दिन इसको जोत को मंदिर लेके जाते हैं, फिर उधर मंदिर में ये जोत जलेगी जब तक जलेगी। मामू क्या खिलाने लगे हैं हमें? फ्रूट चाट। तो पहला स्टॉप ले लिया हमने फ्रूट चाट का। हाँ ये अर्धकुंवारी, और यहाँ पर ये सारी बैठ के रेस्ट चल रही है इनकी। सो अभी आधे से ज्यादा चढ़ाई चढ़ ली है हमने, तो हालत हो गई है खराब चढ़ाई चढ़ के। तो रास्ते में अभी जोत के दर्शन हो गए थे, तो अभी रास्ते में हमें मिल गया ये टी स्टॉल। तो एक एक चाय हो जाए पहले, उसके बाद फिर आगे का सफ़र करेंगे। सो टाइल यहाँ तक है, इसके आगे ये पुरानी टक्की टाइप है। तो इस रास्ते में वैसे ना थकावट कम होती है एज कम्पेयर टू टाइल, टक्की में थकावट कम होती है। बस मुंह तोड़ से मुंह टूट सकता है। हाँ ये रिस्क है कि अगर कोई स्लिप हुआ तो फिर दांत वहाँ टूट जाते हैं। जो यहाँ लोकल है ना, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम घर दूर दूर है, उनको आदत होती है टक्की टुकी चढ़ने की। ये थी यहाँ की लोकल टोन। बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा मजा आता है इस टोन में बात करने का। सो गाइस अभी हम पूरी चढ़ाई चढ़ चुके हैं, और ये इस पहाड़ के बैक साइड का व्यू है। यहाँ से ये उज दिख रहा है सामने, और ये पहाड़ देखो यार क्या ही सुंदर है। और ये कठुए वाला एरिया दिखता है पीछे वाली साइड ना। तो अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको मंदिर भी दिखेगा यहाँ से। तो वो रहा मंदिर माता का। फिर हमने यहाँ से थोड़ा सा उतर के फिर वो चढ़ाई चढ़नी मंदिर वाली। तो अभी चलते हैं फटाफट यहाँ से, सब चलेंगे आगे, एक मैं ही रह गया हूँ पीछे। तो ये ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ से। आज वैसे रश कम है एज कम्पेयर टू बाकी नवरात्रा, क्योंकि हम पहले भी आते थे तब रश बड़ा ज़्यादा होता था। तो आज रामनवमी है, और सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से, मेरी पूरी YouTube फैमिली को। और हाँ, जो ब्लॉग वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दिया करो। हम ऐसे ही आपको जम्मू के अलग अलग एरियाज़ एक्सप्लोर करवाएंगे अपने चैनल पे, जम्मू की खूबसूरती दिखाएंगे। वैसे ये खूबसूरती तो कैमरा तो कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो अभी पैदल चल रहे हैं, ये देखो क्या व्यू है। हमारे चैनल पे आपको सिर्फ जम्मू की ब्यूटी नहीं दिखेगी, बाकी भी आगे आगे हम ऑल इंडिया टूर भी करेंगे, हिमाचल उत्तराखंड। मैक्सिमम हमें पहाड़ पसंद है, पहाड़ी लोग हैं, तो पहाड़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, और हमें मज़ा भी पहाड़ों में आता है। क्या ही नज़ारा है। तो बाला सुंदरी की रील्स के लिए
दी हाईवे रेजिडेंट _01 को फॉलो कर लें, और प्रियंका ब्लॉग्स पे इसके शॉर्ट्स आएंगे अच्छे अच्छे, तो प्रियंका ब्लॉग्स को जाके भी सब्सक्राइब करो, और दी हाईवे रेजिडेंट _01 इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, उस पर और भी बढ़िया बढ़िया रील्स आ रही हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं मैं और अर्जुन दोनों में से कोई भी, वहाँ से हम कुछ ना कुछ इकट्ठा करके ले आते हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये देखो, ये दोनों जा रही हैं, मामी जा रहे हैं सामने, वो लाल परी मैदान खड़ी पहाड़ों में। तो वो कैसा लग रहा है ट्रैक करके? बहुत अच्छा, पहले थोड़ी हालत खस्ता थी बट अब ठीक है। अब ठीक है, चलो ये शुक्र है। वैसे चाय से ना बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई थी, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मीठा था कि मुंह ही चिपक गया मेरा। चाय से ना रिफ्रेश हो गए, वैसे जो थकावट थी ना चाय ने दूर कर दी। ये है यहाँ का एरिया, थोड़ी सी मार्केट है यहाँ पे छोटी सी, और वहाँ पर भैया प्रसाद ले रहे हैं। तो ये पहुँच गए मंदिर, ये लास्ट पौड़ी है, चढ़ गए। और पहले यहाँ की जो सीढ़ियाँ थी वो जैसे वो भूटान की एक मॉन्स्ट्री की रील आती है ना, कि पत्थर काट काट के सीढ़ियाँ बनाई थी और साइड से रस्सी बांधी होती थी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ये है अंदर का एरिया, यहाँ पर लंगर लगा हुआ है, हम भी यहीं बैठ के खाएंगे दाल चावल मानी। भैया कल से वेट कर रहे हैं, वो बड़ा अम्बल जो सबसे इधर वाली बाल्टी है ना ये। तो ये है एंट्रेंस, और इसके नीचे गुफा भी है, भैया ने ऐसा बोला है, मुझे नहीं पता था। शुक्र है हम आ जाए। तो यहाँ पर लाइन लगी, अब हम लाइन में लगेंगे और दर्शन करेंगे माता रानी के। तो ये मंदिर में एक नेचुरल पॉन्ड बना हुआ है तालाब सा, तो ये ऊपर टॉप पे मंदिर है, वो देखो। यहाँ हम दर्शन करके आ गए माता रानी के। तो अभी एक गुफा सी और है ये सामने वाली, वहाँ चलेंगे, उसके बाद लंगर खाएंगे, फिर वापसी निकलेंगे। और यहाँ का मौसम देखो क्या लाजवाब मौसम हो गया, अगर धूप होती तो फिर बड़ी गर्मी लगनी थी। अंदर जाके दर्शन करने देते थे तो आजकल अंदर नहीं आने देते, अंदर आने देते हैं शायद, पंडित जी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे चरण पादुका, यहाँ माता के चरणों के निशान है, तो ये गुफा टाइप बनी थी। जय माता रानी। ये देख लो, ये हमारे साथ आए हुए हैं और पहले ही लंगर में घुस गए हैं। तो ऐसे खिलाई जाती है यहाँ पे रोटी, वो देख लो चावल, वो दाल दे रहे हैं, इनको देख देख के भूख लग रही है यार, फटाफट उठे कोई तो हम भी बैठे। सबको बिठा दिए है पर ला रहे कुछ नहीं है, लियाओ कुछ। और अभी इधर की सफाई चल रही है, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ ये ताम खाने के लिए। घर, आज का शेड्यूल तो आपने वीडियो में देख लिया होगा कि हमने पूरा दिन आज ट्रैक ही किया है, तो फ़ोन की बैटरी भी हमारी डेड हो गई थी इसलिए हम ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाए। तो उसके बाद दर्शन करके चले गए नानू के घर, तो वहाँ पे फ़ोन चार्ज कर लिया था लेकिन थकावट इतनी थी कि शूट करने का कुछ मन नहीं किया, इसलिए सीधा घर आके ब्लॉग एंड कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा,
मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय श्री राम। और हाँ एक बात और, ये ब्लॉग लाइक किए बिना, कमेंट किए और शेयर किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हम आपके लिए लाते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें।